आंसुओं की रुखसती। आज ये तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी ना? हाँ शायद। तो फिर क्या यहाँ हम कभी भी नहीं आएंगे? शायद। क्या शायद शायद लगा रखा है? हम यहाँ पर आएंगे, हम जरूर आएंगे, हर वीकेंड पे आएंगे सारी उम्र। क्या सारी उम्र? हाँ बाबूजी, रात हो गई है, जाओ जाओ इधर से। इधर चर्सी डाकू घूमते हैं, और लड़की भी है तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़, मैं अपना सामान समेट लूं। जी कल मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़। वहीदा इधर आओ बैठो। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अकलमंद बीवियां अल्लाह की देन होती है। अरे जाइए, आप बस बातें बनाते हैं। चलें हम बातें बनाते हैं, ओके फाइन, लेकिन मशवरा तो आपने दिया। मशवरा मानने वाला होना चाहिए, वरना औरतें तो सभी अकलमंद होती हैं। वहीदा बहुत अच्छा किया मैंने के रिटायरमेंट का सारा पैसा हफीज के साथ इन्वेस्ट कर दिया। हाँ मगर ये फैसला तो आपका था, वरना मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहती थी। चलो ओके ओके, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन एक बात का कायल हो गया हूं, तुम जो कुछ कहती हो वो तो पूरा होता है। हम बस मैं चांदी के बारे में सोच रहा था। क्या? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि बेटियों के जहेज के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि लोग तो बेटियों को जहेज में बहुत कुछ देते हैं। अरे आप तो अभी बस फहद के बाहर जाने का इंतजार कीजिए, बेटियों का अल्लाह मालिक है। फहद की फीस का इंतजाम हो चुका, बस अब मैं ये चाहता हूँ कि शानी को अपने कारोबार में शरीक कर लूं, तो फिर मलिहा की फिक्र से भी आजाद हो जाऊंगा। हाँ ये तो ठीक कहा आपने, शानी बहुत अच्छा लड़का है, और फिर उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, अच्छा है, दब के रहेगा। मुझे हफीज के साथ शानी को शामिल करना पड़ेगा। वो क्यों? तुम नहीं समझोगी। हाँ वो मिसेस खान आ जाएंगी। हाँ हाँ आ रही है ना। अरे बहुत ही अच्छा लड़का है, खाते पीते लोग हैं, बहुत ही रिवायती किस्म का खानदानी घराना है। मगर हमारी बेटियां तो कुछ और तरीके से पली हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, शुरू में खुला लेन देन करें, बाद में सब कुछ लड़की के हाथ में ही होता है। हाँ ये तो है। फो मासूमा बैठ जाओ, सर में दर्द हो रहा है तुम्हें देख देख के। आप नहीं जानती कितना बड़ा ब्लंडर हुआ, मास्टर साहब ने रिदा की शर्ट इतनी टाइट सी दी है, और अम्मी है के फहद के साथ कहीं गई हुई है। तो इसमें क्या हो गया, कोई भी शर्ट पहन लो, इतनी सारी शर्ट्स हैं तुम्हारे पास। नहीं ना, वो कलर रिदा पे बहुत सूट करता है। अब रिदा की सारी जिंदगी वही कलर पहनती रहेगी, आगे जाके जिंदगी में कोई और कलर नहीं पहनेगी। रहने दें, आपको नहीं पता, सब समझती है ये, इनका खुद का कोई ऐसा मामला नहीं है ना, खुद से पसंद करके रखा हुआ है, इन्हें क्या पता होगी अरेंज मैरिज कितनी मुश्किल चीज है। रिदा मैं तुम्हें सिर्फ चेयर अप करने के लिए कह रही थी। आपको पता है ना बनी की मामा कितनी पर्टिकुलर है कलर्स की चॉइस को लेके। वैसे निकनेम काफी फनी है। खैर अब हर किसी का नाम शानी नहीं हो सकता। अब इतनी फ्रस्ट्रेटेड आंटियों की तरह मंगेतरों के नामों पर मत लड़े, जाकर अम्मी को कॉल करके याद दिलाएं कि शुगर फ्री बिस्किट्स लेकर आने। पनी भाई की अम्मी को शुगर है ना, इसलिए। ये तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? घर से, क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूँ। अल्लाह करे मारिया आंटी सास साहिबा पे आशिक हो जाए। ये कैसी बदुआ,
हाँ ना, उनकी सबसे बड़ी क्लाइंट यही है, बाद में पैसे थोड़ी देंगे। जस्ट इमेजिन, मारी आंटी एंड सास साहिबा, वाह क्या जोड़ी होगी, है ना? फातिमा कहाँ है, वरना उसे साथ ले जाती। आप चले ना। जी नहीं, ना मैं जाऊंगी, ना मासूमा जाएगी और ना ही फातिमा। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी हो रही होती है वो ही अपने सास के सामने जाती है। चलो जाओ 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 जाओ। अकेले क्यों भेजते? खानदान वगैरह नहीं रखा वगैरह में? अरे नहीं आप अभी। हम तो कहाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आई ये वो लड़की है ना जिसका तस्करा हो रहा था? जी रिदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ उठान से पता लग रहा है खाते पीते घर आने की। हमारे कने आके बैठो यहाँ। आओ रिदा यहाँ के बैठो। आओ हमारे कने आके बैठो यहाँ यहाँ बैठो। शाबाश शाबाश। दुपट्टा उड़ाने का रिवाज नहीं डाला वगैरह में है? बस वो आप अभी। चलो कोई नहीं, खैर हम कर लेंगे बाद में। माशाल्लाह अच्छी बच्ची है। ला ला जरा अभी हाथ लाना। शाबाश शाबाश। माशाल्लाह यकीन करो पूरे 2.5 इंच का है। क्या रहा है? लो भाई मिठाई विठाई तो हम खाएंगे नहीं, तुम लोग मुंह मीठा करो। हमें रिश्ता कबूल है मिसेस खान। मुबारक हो आपको मिसेस खान। अरे ले ना मिठाई। अच्छा मेरे ख्याल में तो मुकम्मल हो गई है, कोई रह तो नहीं गया? ये तो अभी लिस्ट चेंज होती रहेगी। हाँ ये तो है। इसे एक बात है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े घराने से नाता जुड़ जाएगा। वही था, एक बात कहूँ? जी। मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगी। यानी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रही थी, ना किसी से बात करने दी, ना कुछ छानबीन करने दी। सेठ साहब जितना छानेंगे उतना किरकिरा निकलेगा। बहरहाल मर्जी है तुम्हारी। छोड़े ना, वो खातून कौन सा उम्र भर बैठने वाली है? जवानी में बेवा हो गई, दूसरी शादी नाकाम हो गई, तीसरी से बनी हुआ। अब इतनी सी तल्ख कलामी तो उनका हक बनता है ना। मुझे भी तुम औरतों की समझ नहीं आई। जहां समझे बगैर इतनी गुजार दी है, बाकी की भी गुजार दीजिए। बस अब बाकी की उम्र इज्जत से गुजर जाए, बेटियां अपने घरों को चली जाए, बाकी सब गनीमत है। बस अल्लाह मियां से भी गोल गोल बातें। जी कभी तो खुलकर मांग लिया कीजिए। चलिए जी मुकम्मल हो गए। कोई याद आ जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगी इसमें। बनी की आएगी बारात, रंगीनी होगी रात, मगर तू नाचेगी। फिल्मी, कसम से बहुत फिल्मी हुई है रिदा की मंगनी। आप अभी आती हैं, रिदा साहिबा को देखती हैं और बस
और इतनी जोर से मेरा हाथ मरोड़ा कि मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। किसने? बहुत चीप हो गई हो तुम, आपा भी ने और किसने? वैसे एक बात है, कड़ा वाकई बहुत खूबसूरत है, एंटीक। आजकल के जमाने में तो कोई ऐसा कड़ा बनाता भी नहीं है। बनाते हैं लेकिन वो बहुत महंगी होती है। हेलो हेलो, सॉरी मैंने तुम्हें इतना लेट फोन किया, वो दरअसल नहीं नहीं इतनी रात तो नहीं हुई, हम लोग तो जाग ही रहते हैं। खैरियत? मैंने अपनी पहली पेंटिंग पूरी कर ली है, मैंने कहा तुम्हें दिखा दूं। Really? Wow, that's wonderful. लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। नहीं नहीं अभी नहीं कह रहा, सुबह। हाँ कोशिश करूंगी लेकिन वादा नहीं कर सकती। एक्चुअली रिदा की इंस्टेंट मंगनी हो गई एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड। जबरदस्त, चलो फिर मैं खुद आऊंगा, इसी बहाने आंटी अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। हाँ क्या बातें हो रही थी? अब वो कुछ नहीं, चीपनेस। हेलो भाई सईद भाई, मैं तो हूँ आपका खैर खा है। एक आदमी ने शेड बनाया, ना तजर्बा कार था, काम उससे चला नहीं, कोड़ियों का मोल बेचता था, मैंने आपके लिए खरीद दिया। हफीज भाई ये कारोबारी बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अरे अच्छा, खुशखबरी? ये सारे मेरी खुशखबरी, जरा चिड़िया बिठाइए। अच्छा ये लीजिए, बच्ची का रिश्ता आया था तो मैंने सोचा अभी बात चलेगी, लेकिन वो तो फौरन हां करके चले गए। फिर भाई क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं सोचा था कारोबार का उसूल है कि पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी। क्या मतलब? वो मतलब ये के आपने शादी के रिश्तों में जल्दी कर दी, देखे ना, कारोबार में पहले सरमाया लगाना पड़ता है अपनी गिरा से, फिर जाके कारोबार जमता है तो मुनाफा देता है, और जब मुनाफा आ जाए तो उस तरह के खर्चात करने चाहिए। आपने अभी से घाटे का सौदा कर लिया। घाटे का सौदा किया? यानी बच्ची की शादी में घाटे का सौदा कैसे? अरे भाई बुरा ना मानियो, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि बच्चियों की शादी है ही घाटे का सौदा, बल्कि बच्चियां ही घाटे का सौदा है। बस पढ़ाओ लिखाओ जवान करो सब सिखाओ और आखिर में गड्ढा भर के जहेज दो और उसको क्या रुख्सत कर दो। ओ भाई मेरी मानिए तो ये बच्चियों की शादी के चौंचले भी रहने दीजिए। हफीज भाई ये मेरा इंतहाई निजी। हाँ वो मैंने सोचा कि आपकी बधी रकम को क्या तोड़ू, इसलिए फहद की तालीम के लिए हस्ब वादा तमाम तर खर्चात मैं अपने पल्ले से ही कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहे। जैसे आप मुनासिब समझे। बच्ची की शादी तो अभी बड़ी दूर है, अभी तो बड़ी की शादी नहीं हुई, वो तो ये बस जबरदस्ती मंगनी कर गए हैं। सही भाई, खैर खा की हैसियत से मेरा काम मशवरा देना था, सो मैंने दे दिया। अब बाकी भाई आपकी मर्जी, जो चीज है कीजिए।